अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो भी आप लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास से पहले कि फर्स्ट एड की बुक है या कप्लान की बुक है। तो हमारा मेन फोकस फर्स्ट एड की बुक पे है, ठीक है। लेकिन सेम वही बात रिपीट करूंगा जो मैंने कल परसों भी की थी कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो फर्स्ट एड की बुक में या तो बहुत कम दिए गए या फिर वहां पर दिए ही नहीं गए, लेकिन स्टिल वर्थी इंपॉर्टेंट है स्टिल भी। तो अब उनको पहले डिस्कस कर लें, और ये इस तरह भी इंपॉर्टेंट है कि इनको अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। बेसिक्स क्लियर होंगे तो हम इजीली फर्स्ट एड को पढ़ सकेंगे। तो हमारा मेन मकसद यही है कि हमारे कंसेप्ट और बेसिक्स जो है ना वो क्लियर होने चाहिए। एमसीक्यू जिस तरह की भी होगी फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूक्लिक एसिड्स है। कल हमने न्यूक्लियोटाइड देखा था, उसकी नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर देखा था। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। तो मैंने बताया था कि न्यूक्लिक एसिड्स की कितनी टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स होती है। कौन कौन सी? डीएनए एंड आरएनए। खैर, इसकी जो भी टाइप हो हम पहले एक स्ट्रैंड पूरा डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कल कहा था कि दो स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड ये, कि दो स्ट्रैंड होते हैं। पेन चार्ज नहीं है, मिसिंग कर रहा है मेरे ख्याल में। तो तो न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स होती है, डीएनए एंड आरएनए। खैर, जो भी हो पहले हम पकड़ते हैं, फिर बाद में इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंड होता है, और आरएनए सिंगल, ये आप सबको पहले पता है। खैर, हमने कल न्यूक्लियोटाइड पढ़ा था। एक न्यूक्लियोटाइड किन चीजों पर मुश्तमिल होता है? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप नंबर कार्बन नंबर 5 पे लगा होता है, और नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1 प्राइम पे लगी हुई होती है, ठीक है। अब वो कहता है कि कल वाली बात बता रहा है कि एक न्यूक्लियोटाइड, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर इसी तरह तीसरा न्यूक्लियोटाइड। वो कहता है ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते कैसे हैं? फास्फोडाइस्टर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं, और ये बॉन्ड की डायरेक्शन क्या होती है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। कैसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम? कल मैंने बताया था कि 3 प्राइम पे क्या होता है? हाइड्रोक्सिल। 3 प्राइम पे क्या होता है? हाइड्रोक्सिल। और 5 प्राइम पे क्या होता है? फास्फेट ग्रुप। तो ये हाइड्रोक्सिल और ये फास्फेट आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इस तरह आपका ये एक आपका हो गया न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसी तरह ये आपस में मिलते जाते हैं और मुकम्मल क्या बन जाता है? एक स्ट्रैंड बन जाता है। ये एक स्ट्रैंड बन गया और फिर इसी तरह दूसरा स्ट्रैंड बन जाता है। तो ये आपस में क्या क्या होते हैं? फिर हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये हमने कल देखा था, और ये इसकी डायरेक्शन क्या होती है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये देखें यहाँ पर, तो ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है एट नंबर 3 पर, हाइड्रोक्सिल नंबर 5 पर फास्फेट। तो ये फास्फेट और हाइड्रोक्सिल आपस में ये क्या बना दिया? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। हालांकि आप लोग कहेंगे सर जी ये देखें, ये तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्टैंड है ना, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। आप कहेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्टैंड है तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होनी चाहिए डायरेक्शन। नहीं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की डायरेक्शन का स्ट्रैंड की डायरेक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम जब भी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की बात करेंगे, वो भले इस स्टैंड में हो या फिर इस स्टैंड में हो, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। ये देखिए, हाइड्रोक्सिल 3 प्राइम से, फास्फेट 5 प्राइम पे, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अगर हम इस स्टैंड की बात करें तो इधर भी यही देखें, ये 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल, 5 प्राइम पे फास्फेट, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। ये बात समझ आ गई है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की बात समझ आ गई है। ये वैसे मैंने कल समझा दिया था, तो इस टॉपिक में दोबारा आ रहा है तो मैंने उसको रिपीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो अगली बात है, आपको इस स्ट्रक्चर में जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है ना, जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है ये इसमें, ये सारी आपकी क्लियर हो जाएगी। मैं इसका साइज जरा छोटा कर लूं ताकि आपको पूरा दिखाई देता रहे। हाँ, दिखाए अगर ये काम करती है तो। नहीं चले, ये स्टैंड साफ दिखाई दे रहा है ना। इस स्टैंड में हम डीएनए न्यूक्लिक एसिड के बारे में, डीएनए के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम सारी पढ़ेंगे एक एक करके। अब हम अक्सर पढ़ते होते हैं, रीडिंग करते होते हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड है ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा, ये चौथा, इसी तरह न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं सारे। अब हमने क्या करना है, हर एक न्यूक्लियोटाइड को पढ़, हम इसकी रीडिंग कैसे करते हैं?
हम कहते हैं ना कि ये एक स्टैंड है, लिखा होता है कि ये स्टैंड टी सी ए जी स्टैंड है, ऐसे लिखा होता है ना, तो ये इसकी रीडिंग कैसे करते होते हैं? आपने कोई भी स्टैंड उठाना है, वो ये वाला स्टैंड हो या फिर ये वाला स्टैंड हो, उस स्टैंड को आपने रीड करना है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये चीज लिख लें, ये बहुत सी चीजें आएंगी, ये चीज इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन देगी कि आपने रीडिंग कहां से करनी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आपने रीड करना है इसको। लिखना भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है, रीड भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम करना है। ये चीजें बार बार रिपीट होंगी, फिर हम आगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, उसमें आएगा लैगिंग स्टैंड कौन सी डायरेक्शन से कौन सी तरफ, ये आगे चीजें बहुत कंफ्यूजन में आपको डालेंगे, तो इनको शुरू से याद कर दीजिए। रीड कहां से करना है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और लिखना कहां से 5 प्राइम टू 3 प्राइम, रिटर्न भी और रीड भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम करना है। और कैसे करना है, कैसे करना है? आप जब लिख रहे हैं, चले हम इस स्टैंड को लिखते हैं, ये 5 प्राइम, ये इस वाला स्टैंड को हम लिखते हैं 5 प्राइम, लिख लिया आपने, हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिख लिए। पहले क्या है, टी थैमीन है, फिर साइटोसिन है, फिर एडिनिन है, इसी तरह फिर जो भी है, लेट्स सपोज जी है, ये लिखने के बाद फिर हम क्या लिखेंगे 3 प्राइम। सो 5 प्राइम टी सी ए जी 3 प्राइम, इस शक्ल में हम इसको पढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट, और इस शक्ल में हम इसको, इस सूरत में हम इसको लिखेंगे, ये उसका रीडिंग मेथड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर आप कहते हैं कि हम इसके साथ, क्योंकि ये डी, अगर ये डीएनए का है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये डीएनए का है या फिर आरएनए का है, हम इसके साथ डी लिखना चाहते हैं। अगर आप डी नहीं लिखते तो इट्स ओके, अगर डी लिखना चाहते हैं तो डी टी डी सी डी ए और आखिर में वही 3 प्राइम, ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम साथ में फास्फेट भी लिखना चाहते हैं, क्योंकि फास्फेट ग्रुप भी ऐड है, तो आप लिखिए 5 प्राइम डी टी पी डी सी पी, इसी तरह कंटिन्यू आखिर में 3 प्राइम। तो ये इसके रीड करने के और रिटर्न करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अच्छा, आप इसको सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 प्राइम 3 प्राइम ना लिखे, सिर्फ इस तरह लिख दें टी सी ए जी, समझ जाएगा अगला कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप उसको लिख रहे हैं, पहली बात माइंड में बिठा लें, इफ यू आर गोइंग टू रीड द स्टैंड वन स्टैंड, देन यू विल रीड द स्टैंड फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, एंड यू इफ यू आर गोइंग टू राइट द स्टैंड, देन यू विल राइट द स्टैंड फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में लिखेंगे, लेकिन अगर आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो साथ में डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखने की जरूरत, लिख देते तो ठीक है इस तरह, जैसे ऊपर इधर आपने लिखा है, लिख देते तो ठीक है, नहीं लिखते तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसी स्ट्रैंड को, वैसे रूल क्या है, किस शक्ल में पढ़ेंगे हम उसको रीड करेंगे 5 प्राइम टू, लेकिन आप चाहते हैं कि हम इसी स्ट्रैंड को 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में लिखें और उस शक्ल में पढ़ें, पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक रूल है, एक असूल है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या रूल है वो? वो रूल ये है कि आपको, अगर आप देखें, आप चाहते हैं कि मैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम लिखना चाहता हूं, तो लिख लें 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्या है, जी फिर ए सी और टी। अब आपने 3 प्राइम टू 5 प्राइम लिखा है, ये ठीक नहीं लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि हम हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखते हैं और 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ते हैं। इसको ठीक करने का एक तरीका है, अगर आपने 3 प्राइम टू 5 प्राइम लिखा है तो साथ में एंड्स मेंशन कर दें, ये मेंशन कर दें, अब ये ठीक हो गया। अब इसका मतलब है कि मैंने स्टैंड को लिखा है लेकिन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में लिखा है, तो आपने इसको मेंशन कर दिया, तो अब ये क्या है, ठीक है। अगर आप कॉर्नर्स यानी 5 प्राइम 3 प्राइम मेंशन नहीं करना चाहते तो सिंपल में 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिख दें और ग्रुप्स को, कॉर्नर्स को मेंशन ना करें, प्राइम्स को मेंशन ना करें। लेकिन अगर आप 3 प्राइम टू 5 प्राइम लिखना चाहते हैं फिर आपको ये प्राइम्स मेंशन करने पड़ेंगे। समझ आ गई ये बात, कैसे रीड करते हैं कैसे लिखते हैं, ये बात समझ आ गई है, पक्की बात है। किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज समझ ना आई हो तो मैं किसी और तरीके से भी समझा सकता हूँ, मुझे एक तो पेन बहुत तंग कर रहा है। डी रिप्रेजेंट करते, देखिए अब कभी कभी अगर डीएनए का वो है स्ट्रैंड है तो डी ऑक्सी होगा, तो डीएनए को शो करने के लिए हम उसको डी से लिखेंगे, डी यानी ये डीएनए का स्ट्रैंड है, डी ऑक्सी स्ट्रैंड। आरएनए होगा तो फिर डी उसमें हम नहीं लिख सकते, उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। अगर डीएनए का है तब भी डीएनए को ऐसे लिख सकते हैं विदाउट डी, विदाउट डी डाले आप लिख सकते हैं, बट इफ यू वॉन्ट टू एड देन यू कैन, बट इन जस्ट इन केस ऑफ डीएनए,
ठीक है, ये समझ आ गई ये बात, पक्की बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है कि सिंगल स्ट्रैंड होता है, और आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है। मैं अगर कहता हूं डीएनए सिंगल स्ट्रैंड भी होता है, मान लेंगे आप? क्यों माने? मैं कह रहा हूं या फिर वैसे मान लेंगे? हैं? वेरी गुड। और मैं कहता हूं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है, मान लेंगे? मान लेंगे। कुछ वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और कुछ वायरसेस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है। वैसे यूकेरियोट्स में क्या होता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और प्रोकैरियोट्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। समझ आ गई ये बात? नहीं समझ आई? आगे बढ़े चले। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी कौन कौन सी है। इसकी अगली प्रॉपर्टीज है कि डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं ये एंटी पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? एंटी पैरेलल। इस बात का क्या मतलब है एंटी पैरेलल का? लाइक अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ये स्ट्रैंड क्या है, 5' टू 3', और ये स्ट्रैंड क्या है, 3' टू 5'। ये देखें, ये 5' टू 3' और ये 3' टू 5'। अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पर इसका 5 कार्बन पे यानी फास्फेट लगा हुआ है ना, क्या लगा हुआ है? और इसका क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सिल। अपोजिट डायरेक्शन इन दोनों की, सो देयरफॉर बोथ ऑफ दीज आर कॉल्ड एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। विच डॉक्टर इज जीनियस, विच डॉक्टर इज सीनियर, जो मुझे ये बताने जा रहा है कि एंटी पैरेलल का फायदा क्या होता है, ये एंटी पैरेलल क्यों होते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। हेलिक्स फॉर्मेशन के लिए क्यों? क्योंकि देखें, मैंने कल कहा था कि आपकी जो नाइट्रोजनस बेस होती है वो कार्बन नंबर 1 पे लगी होती है, अंदर की तरफ लगी होती है। अगर इस स्ट्रैंड को भी इस डायरेक्शन में बना, जैसे ये बना हुआ है, तो क्या नाइट्रोजनस बेस इस तरफ आ जाएगी ना, तो क्या ये बॉन्ड बना पाएंगे आपस में? नहीं। अब ये क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। अगर ये सीधा रखा हुआ है तो ये समझे उल्टा रखा हुआ है, ताकि ये दोनों नाइट्रोजनस बेस आपस में आ जाए और आपस में क्या कर सके, बॉन्डिंग कर सके, आपस में इनका बॉन्ड बन सके और हेलिक्स फॉर्मेशन हो सके। देयरफॉर बोथ ऑफ दीस स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। ओके, अब मैं कहता हूं डीएनए इज, डीएनए की पोलैरिटी होती है, ये पोलर होता है, वो कैसे पोलर होता है? ये बात समझ आ गई है ना कि ये एंटी पैरेलल क्यों होता है? अब मैं कहता हूं पोलर होता है, क्यों पोलर होता है? क्योंकि इसके एक एंड पर क्या है, 5' फास्फेट, और दूसरे एंड पर क्या है, हाइड्रोक्सिल। तो दोनों जगह से ये पोलर है, दोनों जगह से। देखें, अगर ये 5' फास्फेट है तो ऊपर से इसके साथ हाइड्रोक्सिल लग सकता है ना, और नीचे अगर हाइड्रोक्सिल है तो इसके ऊपर फास्फेट लग सकता है, तो है ना ये पोलर। तो मैं कहता हूं डीएनए पोलर भी होता है। अब यही बातें आपकी कपलान में लिखी हुई है, सिर्फ इसी तरह के, डीएनए इज पोलर, डीएनए हैज पोलैरिटी, डीएनए इज एंटी पैरेलल। और एक और बात लिखी हुई है, डीएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सिंपल सा एफएससी वाला वर्ड है जो बार बार हम पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, जो कल मैंने एक फार्मूला बताया था, मैंने कहा बॉयज कभी नहीं बोल सकते, हाँ, एट गर्ल्स कॉलेज, एट गर्ल्स कॉलेज, कि एडेनिन विल फॉर्म द बॉन्ड विद एंड साइटोसिन विल फॉर्म द बॉन्ड विद गुआनिन। कि एडेनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगी? थायमिन के साथ, और गुआनिन साइटोसिन के साथ। एडेनिन और थायमिन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। और साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? ट्रिपल बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन। क्रेजी लाइक ग्लू, क्रेजी लाइक ग्लू, क्रेजी का सी ग्लू मतलब जी, मतलब ग्लू की तरह क्या है, क्रेजी है, चिपके हुए आपस में, बहुत अच्छे बॉन्ड बने हुए, मैंने कल बताया था। अच्छा, उसके बाद ये बॉन्ड्स होते कौन से हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स कौन से होते हैं? ये भाई सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल मेरे ख्याल में मैंने बता दी थी सारी। इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अच्छा, एक और चीज वो कहता है, वो कहता है एडनीन की मिकदार बराबर होती है थायामीन के, और साइटोसिन की मिकदार बराबर होती है गुआनिन के, ठीक है। ये आपका क्या है कि डीएनए स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। सो डीएनए स्ट्रैंड्स आर पोलर, समझ आ गया? डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, समझ आ गया? डीएनए स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, आई थिंक ये भी समझ आपको आ गया होगा। और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है वो भी समझ आ गया, और इसको हमने रीड कैसे करना है और कैसे रिटर्न करना है वो भी समझ आ गया। ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे काम आएंगे, ये छोटी छोटी सी एमसीक्यूज है, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं? पूरा एक स्ट्रैंड बनाते हैं, और दो स्ट्रैंड फिर आपस में कैसे जुड़ते हैं?
हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए हेलिक्स फॉर्मेशन, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड के जरिए क्या करते हैं, वो हेलिक्स फॉर्मेशन करते हैं। समझ आ गया? ओके जी, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपके डीएनए का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 2 नैनोमीटर। ये जो डायमीटर है, ये डीएनए यहां से लेकर यहां तक इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 2 नैनोमीटर। ये भी एमसीक्यूज है, सिंपल छोटी सी बात है, आसान सी, कि आपके डीएनए का जो डायमीटर है वो कितना होगा, 2 नैनोमीटर होगा। ठीक है, समझ आ गई ये बात। ये काउंटिंग मुख्तलिफ हो सकता है, डिफरेंट, जैसे पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स है, डिफरेंट प्रोटीन्स, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अक्सर डीएनए राइट हैंडेड होते हैं, जो हेलिक्स फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, राइट हैंडेड होती है। शायद यहां पर होगी हेलिक्स फॉर्मेशन, ये देखें अक्सर क्या होते हैं, ये हेलिक्स फॉर्मेशन बनी क्या, उसके क्या लगे हुए हैं सारे, ये नाइट्रोजन बेस बॉन्ड्स बने हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए। अक्सर जो डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं, राइट हैंडेड, राइट हैंड हेलिक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, राइट हैंडेड। और जो राइट हैंड हेलिक्स होते हैं उसको क्या बोलते होते हैं, वो कौन सा डीएनए होता है, बी डीएनए। बस ये सिंपल सिंपल देख लें कि जो राइट हैंडेड हेलिक्स होगा, ठीक है, इस तरह का हेलिक्स होगा राइट हैंडेड, वो क्या होगा, बी डीएनए। और ये मोस्टली होता है, मोस्टली आपका डीएनए क्या होता है, राइट हैंडेड होता है, और ये बी डीएनए होता है। ये भी एक एमसीक्यूज है, छोटी छोटी सी एमसीक्यूज में बता रहा हूँ कि अक्सर डीएनए क्या होते हैं, राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं, बी डीएनए। और कुछ डीएनए होते हैं जिनको हम कहते हैं जी डीएनए या फिर जेड डीएनए, ये क्या होते हैं, लेफ्ट हैंडेड होते हैं, ये क्या होते हैं, लेफ्ट हैंडेड, और ये कम होते हैं मोस्ट। हाँ भाई 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 भाई, कंसेप्ट हो गया कि जो राइट हैंडेड होते हैं ये बी डीएनए होते हैं, जो लेफ्ट हैंड होते हैं वो जी डीएनए होते हैं, और मोस्टली कौन से होते हैं, बी डीएनए, राइट हैंडेड डीएनए। समझ आ गई ये बात, डिफरेंशिएट आप देख ले कि वो राइट हैंडेड होगा, जैसे ये देख ले, ये देखे, ये राइट कुछ इस तरह का राइट लेक्स है, नजर आ रहा है, ये देखे ये राइट है, और लेफ्ट किस तरह का होगा, नहीं समझ आया, ये इस तरह का आपका लेफ्ट होगा, इस तरह का आपका, अब मैं आपको 3D तो यहां पर नहीं दिखा सकता। ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया, आप नीचे से ऊपर से कैसे देखें, ऊपर से ये देखें राइट नहीं है, राइट है, ये देखें ये राइट है, अब मैं आपको 3D यहां पर नहीं दिखा सकता, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बाकी वो आपसे यही पूछेगा कि मोस्टली कौन सा होता है, बी डीएनए और वो राइट हैंडेड होता है, और बाकी क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड और वो क्या होता है, जी डीएनए। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि जो इसी स्टैंड में, बल्कि यहां समझा देता हूं, वो कहता है जो हाइड्रोफिलिक फास्फेट होते हैं, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, वाटर लवर, हाइड्रोफिलिक, वो कहता है हाइड्रोफिलिक फास्फेट और राइबोज, ये और ये फास्फेट, ये बैकबोन होते हैं, ये आउटसाइड की तरफ होते हैं, डीएनए हेलिक्स की आउटसाइड की तरफ होते हैं, क्योंकि ये वाटर लवर है तो वाटर वाली साइड पे होंगे, जहां से वाटर आके टच करेगा। और जो आपकी नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होती है, क्या होती है, हाइड्रो, ये वाटर से क्या करती है, नफरत करती है, तो इसीलिए छुपी हुई है अंदर, क्या क्या की हुई है, ये डबल स्टैंड है, उसके बीच में क्या हुई है, छुपी हुई है दरमियान में, ताकि आपस में नाइट्रोजनस बॉन्ड बना सके। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बात है कि जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लवर होते हैं, वो बाहर की तरफ होते हैं, वाटर की तरफ होते हैं, और वो राइबोज और फास्फेट होते हैं, और जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ये वाटर हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटर होती हैं, और ये अंदर छुपी हुई होती हैं ताकि वाटर हमें टच ना कर सके, नाइट्रोजनस बेसिस। समझ आ गई बात, यार सिंपल सिंपल सी बातें हैं, वही मुझे बताते हुए भी यकीन करें शर्म आ रही है, क्योंकि FSC वाले कंसेप्ट है सारे। ठीक है, अच्छा, डू यू रियली थिंक व्हाट इज द डीएनए सिंगल टर्न, एक हेलिक्स में एक टर्न कितना होता है, हम कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि एक जो सिंगल टर्न होता है डीएनए का, एक सिंगल टर्न होता है हेलिक्स का, उसकी लेंथ 3.4 नैनोमीटर होती है, ऐसे कहते हैं ना, उसकी लेंथ कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर। बट डू यू रियली नो दैट व्हाट इज द सिंगल टर्न, हेलिक्स का एक सिंगल टर्न कहां से लेकर कहां तक होगा, यहां से लेकर यहां तक होगा ना, नो नो, देखें ये टर्न यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर एक बार मिले और ये यहां पर आके इनका टर्न कंप्लीट हो रहा है, यहां पर,
तो यहां से लेकर यहां तक ये एक सिंगल टर्न कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सिंगल टर्न। और इसकी लेंथ कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। और इस 3.4 नैनोमीटर इस सिंगल टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, यानी कितनी नाइट्रोजन बेस होती है? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप कहेंगे ये तो 8 है, 10 तो नहीं है। ये अंदर यहां पर ये दिखाई नहीं दे रहा, यहां पर भी दो होती है, फ्यूज होती है, वो भी यहां पर मिली होती है। तो एक सिंगल टर्न कितना होता है और कहां से लेकर कहां तक होता है, मैंने बता दिया। उसकी लेंथ कितनी होती है? 3 पॉइंट, और उसमें कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं? अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूं कि ये 10 आपके क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। मैं कहता हूं एक नाइट्रोजनस बेस, ये इस नाइट्रोजनस बेस, सॉरी मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इस नाइट्रोजनस बेस और इस नाइट्रोजनस बेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है? 0.34। क्यों? क्योंकि टोटल है 3.4 और नंबर कितने टोटल? 10, तो कितना बन जाएगा? 3.4 नैनोमीटर। तो एक नाइट्रोजनस बेस और दूसरे नाइट्रोजनस बेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर होगा। समझ आ गई ये बात? पक्की बात है। अच्छा, अगर इसी एक स्ट्रैंड में 3.4 नैनोमीटर के साइज में मोर देन 10 बेस पेयर्स है, लेट्स सपोज दैट 12 है, व्हाट डज इट मीन? इट डज मीन दैट कि आपका जो डीएनए है वो सप्रेस किया हुआ है। वो डीएनए क्या है? नॉर्मली क्या होता है, ये क्लिनिकली बता रहा हूं जरा, नॉर्मली क्या होता है, आपने देखा कि इतनी जो स्ट्रैंड है, जो आप इसको भूल जाए, इसको भूल जाए, आपने कहा कि ये जो स्ट्रैंड है, एक सिंगल स्ट्रैंड है, उसमें कितने बेस पेयर थे? 10 नॉर्मली। बट अब आप देख रहे हैं कि एक सिंगल स्ट्रैंड में, एक हिलेक्स में कितने बेस पेयर आ रहे हैं? 12 बेस पेयर। सो इट डज मीन दैट कि आपका डीएनए क्या क्या हुआ है? सप्रेस। सप्रेस कैसे क्या हुआ है? कि ये हुआ सप्रेस, यहां से क्या हुआ? सप्रेस। ये बात आप कैसे, मैं समझा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि देखें, ये जगह थी, मैं कहता हूं ये क्या है? मुकम्मल एक हिलेक्स है, एक टर्न है, एक क्या है? टर्न है। और मैं कहता हूं कि इसमें कितने बंदे बैठे हुए हैं? 10। अब मैंने इसको किया सप्रेस, इसको मैंने दबा दिया यहां तक। अब जो बंदे बैठे हुए थे उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन बंदे अभी कितने होंगे? 10 होंगे। नहीं समझे ये बात? आप जरा माइंड खोलें, ये बड़ी मुश्किल से समझ आएगी, थोड़ा ऐसा कंसेप्ट है। देखें किसको समझ आ गई थी? ये है आपका एक टर्न, ठीक है, टर्न है, एक टर्न है, मतलब एक स्पेस है, एक जगह है, कि ये यहां से लेकर यहां तक एक जगह बनाई है। मतलब अब ये ले ले, वो दीवार है और ये दीवार है, कमरे की दो दीवारें हैं, ये कमरे की दो दीवारें हैं, इस दीवार के बीच में मैंने कितने बंदे बिठा दिए? 10 बंदे, लेकिन उनके दरमियान मैंने डिस्टेंस कितना रखा? 0.34 नैनोमीटर मैंने डिस्टेंस रख दिया उनके बीच में। अब मैं चाहता हूं मैं इन दीवारों को स्क्वीज कर दूं, सप्रेस कर दूं। जब मैं इसको सप्रेस करूंगा, मैं इस दीवार को यहां से उठा के, इस दीवार को मैंने यहां से उठा लिया और मैंने यहां पे रख दिया। अब बंदे तो यहां से बाहर नहीं निकल सकते, दरवाजा मैंने बंद किया हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे? अपना डिस्टेंस क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे, कि थोड़ा हम क्लोज हो जाते हैं। अब आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0.30 हो जाएगा डिस्टेंस, आप कम कर लेंगे अपना, आप क्लोज हो जाएंगे, जरा आप क्लोज हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि डीएनए सप्रेस हो रहा है, ठीक है, डीएनए सप्रेस हो रहा है, बंदे क्या आएंगे? ज्यादा आएंगे। समझ आ गई है? तो यही बात है कि अगर आपका डीएनए सप्रेस किया हुआ है, डीएनए, उसमें नाइट्रोजनस बेस की तादाद क्या होगी? डॉक्टर तैसे को समझ नहीं है, डिस्टेंस कम हुआ, नंबर वही है। नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस, नाइट्रोजनस स्टैंड उतना ही है। टर्न तो हमारा देखें, ये अब कितना हो गया? 0.34, पहले 0.34 था डिस्टेंस, अब कितना हो गया डिस्टेंस? मैं समझाता हूँ, कूल डाउन। डिस्टेंस पहले कितना था? 0. अब कितना हो गया? 0. अब मुझे बताएं कि 3.1 हिलेक्स का टर्न कितना होता है? मुझे बताएं इसमें अब कितने बंदे आएंगे? अब क्यों 10 आएंगे? 0.34 होगा तो फिर 10 आएंगे, अब कितने आ जाएंगे? अब 11 आ जाएंगे। टर्न आपका सेम रहेगा, उसका साइज क्या रहेगा? सेम, लेकिन वो सप्रेस हो रहा है। जब सप्रेस हो, नहीं समझ आ रहा, मैंने टेबल नहीं लगाई आपको, मैं भूल जाए, भूल जाए, भूल जाए, सब भूल जाए, मैंने जो कुछ बताया सब भूल जाए। मैं एक और तरीके से बताता हूँ, मैं एक और तरीके से समझाता हूँ, ये जरा कंफ्यूजन है। हाँ,
देखिए सिंपल से बताता हूँ, जब डीएनए होगा, अब जब डीएनए सप्रेस हो रहा है, इट डजंट मीन दैट कि आपका टर्न भी सप्रेस हो रहा है. टर्न सप्रेस, कीप इन माइंड, एक टर्न की जो लेंथ है हमने कितनी रखनी है, 3.4 नैनोमीटर. हम देखेंगे कि डीएनए के 3.4 नैनोमीटर में कितने नाइट्रोजिनस बेसेस आ रहे हैं. 3.4 नैनोमीटर में नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेस हमने काउंट करनी है, ठीक है. अगर इनके दरमियान डिस्टेंस है 0.34, तो कितनी नाइट्रोजिनस बेसेस आती हैं, 10, क्योंकि लेंथ कितनी है इसकी, टोटल 3 पॉइंट. अब हम कहते हैं लेंथ सेम है 3.4 नैनोमीटर, लेकिन डीएनए हुआ सप्रेस. डीएनए क्या हुआ, ये 3.4 3.4 ही रहेगा, इसने ऊपर नीचे नहीं होना, टर्न ने ऊपर नीचे नहीं होना. लेकिन जब मैं उसको सप्रेस करूंगा, तो ये जो डिस्टेंस है नाइट्रोजनस बेस के दरमियान, मैंने आपको इकट्ठा कर दिया था, मैंने अभी मिसाल दी है, तो आपके दरमियान डिस्टेंस क्या हो गया, कम. अब मैं ये डिस्टेंस दे के आया आ गया हूं 0.34 की निस्बत 0.30. डीएनए को सप्रेस किया, आप दोनों आपके दरमियान नाइट्रोजनस बेस के दरमियान डिस्टेंस क्या हो गया, कम. अब मुझे बताएं, इसको जरा मल्टीप्लाई करें 0.30 को 11 के साथ, तो कितने बनेंगे, तकरीबन 11 11 पॉइंट समथिंग नाइट्रोजनस बेसिस आ पाएंगी. तो डीएनए को सप्रेस करने से नाइट्रोजनस बेसिस की तादाद बढ़ रही है ना, आप समझ आए, पक्की बात है, किसको समझ नहीं आया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं फिर समझाऊंगा किसी और तरीके से समझाऊंगा, नहीं समझ आया डॉक्टर से. चले मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ डॉक्टर जवेरिया, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक सेकेंड एक सेकेंड, मल्टीप्लाई बाई 10, अब कितना बन जाएगा, 3.0 नैनोमीटर, लेकिन हमने कितना बनाना है, 3.4. तो किसी ऐसे लफ्ज से मल्टीप्लाई करो 3.4 बनाना, वो हमारा कम नहीं होगा, वो जो हमारा एक टर्न की लेंथ है वो कम नहीं होनी, तो आपने इसको 3.4 बनाना है. अगर हमने आपस में देखें, देखें देखें, मैं कहता हूं ये यहां से इस दीवार से लेकर इस दीवार तक, इस दीवार से लेकर इस दीवार तक लेंथ है 3.4 नैनोमीटर. अब सिंपल सा बता रहा हूं, ये समझ अगर नहीं आया ना, तो मैं और कुछ नहीं कर सकता. हाँ आ जाओ आप, तीन आ जाओ, तीनों आ जाओ, तीनों भाई, एक आप ही आ जाए, डॉक्टर मुस्तफा आ जाए, आप आ जाए, ये दरवाजे पर ठहर के, हाँ वो जगह लेना, यहाँ पर तीन बंदे ठहर जाए, जाए जरा डॉक्टर तहसीन, आप जाए, और व्हाइट बोर्ड पूरा कवर कर ले, व्हाइट बोर्ड पूरा कवर कर ले, और दरमियान में डिस्टेंस रखें, मैं मुझे आना पड़ेगा वहां पर, आप खुद देखें. डॉक्टर मुस्तफा आप ये इसके कोने पे, आपकी बिल्कुल कोने पे हो आप भी. अब आप तीन बंदे ठहरे हुए हैं, ठीक है, नो बी क्लोज, टू मच क्लोज, क्लोज क्लोज. डॉक्टर जुबैर मैंने देखे वो लेंथ सेम है, व्हाइट बोर्ड की लेंथ सेम है, मैंने उसको कुछ नहीं छेड़ा. अब मैंने सप्रेस किया डीएनए, मुकम्मल डीएनए को सप्रेस किया है, लेकिन उसके मैंने उस लेंथ को नहीं छेड़ा, टर्न को नहीं छेड़ा. अब कितने बंदे आ रहे हैं, चार, मतलब उनके दरमियान जो स्पेस है वो मैंने कम कर दी है. अब 12 आ सकते हैं, पहले 10 आ रहे थे, अब हाँ हाँ ऐसे समझ रहे, यहां से एक उठ के ये ऊपर जा रहा है, यहां से उठ के ये ऊपर जा रहा है, ठीक है. मैंने उनके दरमियान स्पेस कम कर दिया, नाइट्रोजनस बेस के दरमियान स्पेस कम कर दी, और मैंने कुछ भी नहीं किया. अब समझ आ गई है कि अगर हम सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस बढ़ जाएंगे, और अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा, डॉक्टर जुबैर बाहर निकल जाए, डॉक्टर मुस्तफा भी निकल जाए, बाहर निकल जाए, अब इनके दरमियान स्पेस बढ़ जाएगी, लेकिन नंबर क्या हो जाएंगे, कम. सो इट डज मीन दैट अगर वो आपको नंबर ज्यादा दिखा रहा है, 10 से नंबर ज्यादा दिखा रहा है, इट डज मीन दैट कि आपका डीएनए क्या किया हुआ है, सप्रेस किया हुआ है. अगर वो नंबर कम दिखा रहा है, 10 से कम, इट डज मीन दैट कि आपके डीएनए की लेंथ इनहेंस हो गई, इंक्रीज हो गई. नीचे से अभी आपने बोला नीचे से शिफ्ट कर रहा है नाइट्रोजन के ऊपर, फिर तो नीचे से कम नहीं होगा, नीचे से फिर नीचे से ऊपर आ चला जाएगा, आपके नंबर ऑफ टर्न कम हो जाएंगे. अभी आप मजीद डीप जा रहे हैं, मजीद कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न कम हो जाएंगे, फिर एक वक्त आएगा कि डीएनए जल्दी खत्म हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ टर्न फिर 12 से 10 रह जाएंगे. समझ आ गई बात, आप मैक्सिमम जितना कर सकते आप करें उसको सप्रेस. नहीं इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं हो सकता, फिर वो पैथोलॉजिकल हो जाएगा. समझ आ गया है, पक्की बात है, या अभी भी समझ नहीं आया, थोड़ा आ गया समझ. चले जी, इसका और कंसेप्ट कौन सी चीज रह गई है इसमें, हाँ अब कहते हैं इसमें ग्रूव होते हैं, एक मेजर ग्रूव, एक जब ये टर्न लेता है ना टर्न, तो ये टर्न कुछ इस तरह का होता है, एक जगह पे इनका दरमियान में ये ग्रूव है, ये माइनर रह जाते हैं, छोटी छोटी ग्रूव है, और ये मेजर ग्रूव, बड़ी ग्रूव है.
ठीक है। तो इसके हिलैक्स में एक छोटी ग्रुप, एक बड़ी ग्रुप, मेजर एंड माइनर ग्रुप होती है। इनका काम क्या होता है मेजर एंड माइनर ग्रुप का, कि ये ड्रग्स है आपकी, अभी आप याद ना करें इसको, हम आगे जाके देखेंगे। बस ड्रग्स जो है ना, जो भी हम ड्रग देते हैं जो इस डीएनए को इंटरफेयर करती है, तो वो ड्रग्स इन्हीं मेजर एंड माइनर ग्रुप्स के जरिए इंटर होती है बॉडी में, आपके डीएनए में, और इन्हीं के साथ इंटरफेयर करके डीएनए को डिस्टर्ब करती है, ठीक है। और ये मेजर और माइनर ग्रुप का फंक्शन ये होता है कि ड्रग्स इनके जरिए क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, प्रोवाइडिंग बाइंडिंग साइट्स फॉर रेगुलेटरी प्रोटीन्स। रेगुलेटरी प्रोटीन्स होंगी या ड्रग्स होंगी, उनको क्या करेंगे, ये बाइंडिंग साइट, यहां से आके वो बाइंड करेंगे और अंदर इंटर होंगी। समझ आ गई ये बात, पक्की बात है। अब हम एक रूल डिस्कस करेंगे, चरगफ रूल। चरगफ रूल सुना हुआ इसका नाम? नहीं सुना हुआ, चले नाम से पहले जरा रीडिंग कर लेते हैं डीएनए के स्ट्रैंड की। रीडिंग जो हमने अभी पढ़ा है सारा, उसकी हम रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। रीडिंग करें के कर लेंगे आप खुद, कुछ कहते हैं कर लेंगे, कुछ कहते हैं करवा लें, जो कहते हैं करवा दें रेज योर हैंड्स। चले काफी तादाद है, करवा देते हैं रीडिंग। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जॉइंड बाय 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आई थिंक मैंने ये बात बता दी है कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की जो डायरेक्शन होती है वो 3' to दैट इज फास्फेट ग्रुप लिंक्स बाय 3' कार्बन ऑफ द शुगर टू द 5' कार्बन ऑफ द नेक्स्ट शुगर इन द चेन। ईच स्ट्रैंड हैज अ डिस्टेंस 5' एंड 3' एंड दस हैज पोलैरिटी। अ फास्फेट ग्रुप इज ऑफन फाउंड एट द 5' एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑफन फाउंड एट द 3'। पता है ना आपको इसका, द बेस सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड इज रिटन बाय इन द 5' to 3' डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। According to this convention, the sequence of the strand on the left figure must be written 5' to 3', or इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप ये primes mention ना करें तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। If written backward, the ends must be labeled। अगर आप 3' to 5' लिख रहे हैं, देखें उलट है, G A C T उलट, तो तब आप ends को mention करेंगे। The position of phosphates may be shown like this, and in a DNA, a deoxy may be included, DT DC, और ये आप कर सकते हैं। In eukaryotes, DNA is generally double-stranded and in RNA is single-stranded. Exception occur in certain viruses, some of which have single-stranded DNA genomes and some of which have double-stranded RNA genomes. Same यही thing. Nucleotides links 3' to 5' phosphodiester bonds, the important MCQs and you likhi hui hai side pe, have distant 3' to 5' ends, thus polarity sequence always specified as 5' to 3'. ठीक है, ये हमने discuss कर लिया था इसको। ये देखिए इसकी प्रॉपर्टीज हमने देखी है। द टू स्टैंड्स आर एंटी पैरेलल अपोजिट इन डायरेक्शन, द टू स्टैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ए ऑलवेज पेयर्स विद टी टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड जी ऑलवेज पेयर्स विद सी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दैट्स द बेस सीक्वेंस ऑन द वन स्टैंड डिफाइंस द बेस सीक्वेंस ऑन द अदर स्टैंड। अगर मैं आपको कहता हूं कि ये एक स्टैंड है, इसमें सीक्वेंस है ए टी जी सी, तो दूसरे स्टैंड का सीक्वेंस आप मुझे बता सकते हैं? उल्टा होगा, ये क्या होगा, जी सी ए टी, ये इसका सीक्वेंस होगा। अगर एक स्टैंड का सीक्वेंस दिया जाए तो दूसरे स्टैंड का सीक्वेंस आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई ये बात। बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक बेस पेयरिंग द अमाउंट ऑफ ए इक्वल द अमाउंट ऑफ टी एंड द अमाउंट ऑफ जी इक्वल द अमाउंट ऑफ सी, दस टोटल प्यूरिन्स इक्वल टू पिरिमिडिन्स, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द, इसको भी भूल जाए, पहले नीचे रीडिंग कर लेते हैं फिर इसको मैं बताता हूँ। विद माइनर मॉडिफिकेशन सब्स्टिट्यूशन ऑफ यू फॉर टी, दीज रूल्स डू अप्लाई ऑन द डबल स्टैंडर्ड RNA. Most DNA occurs in nature as right-handed double helix molecule known as Watson-Crick model, जो था वो DNA, वो BDNA था, वो right-handed था. The hydrophilic sugar phosphate backbones of each strand is on the outside of the double helix. The hydrogen bonding base pairs are stacked in the center of the molecule. These are about 10 base pairs for each turn of the complete turn of helix. A rare left-handed double helical structure of DNA that occurs in the GC-rich sequence is known as the GC-rich. होता है कि ये ऐसा रीजन होता है जहां पे जी और सी ज्यादा हो। द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ जी डी एन ए इज अननोन बट मे बी रिलेटेड टू जीन रेगुलेशन। आई थिंक हमने कर ली है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द चरगफ रूल, ठीक है। चरगफ रूल कहता है कि क्या कहता है, वो कहता है कि आपके एडनीन की जो परसेंटेज है एक डीएनए के अंदर वो किसके बराबर होती है, थायमिन के, और साइटोसिन की किसके बराबर होती है, गुआनिन के। मतलब अगर ए है 30% तो मतलब टी भी कितना होगा, और अगर वो कहता है सी है 20% तो जी भी कितना होगा, 20%। अब जो प्यूरिन्स है उनको इकट्ठा करें और पिरिमिडिन्स को इकट्ठा करें। प्यूरिन्स इसमें कौन कौन सी है, ये क्या है,
प्यूरिन और ग्वानिन क्या है, तो 30 प्लस 20 कितना बनेगा 50, तो 50 क्या है प्यूरिन्स, और पैरिमिडिन्स को इकट्ठा करें 30 20 ये भी कितनी बनेगी 50, तो ये आपकी क्या है पैरिमिडिन्स, तो हो गई प्यूरिन्स इज इक्वल टू पैरिमिडिन्स। दो चीजें कहता है चरगफ रूल कि एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन, साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानिन, सो प्यूरिन्स आर इक्वल टू पैरिमिडिन्स, सो प्यूरिन्स की परसेंटेज पैरिमिडिन्स की क्या होती है बराबर, और परसेंटेज हमने इस तरह रखनी है कि 100 कंप्लीट करनी है, 100% होता है ना कोई चीज, तो हमने 100% क्या करनी है कंप्लीट करनी है, ये आपका क्या है चरगफ रूल। और इसी चरगफ रूल के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आती हैं, वो आपको घुमाने की कोशिश करते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन, ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन, सॉरी एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन, ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन, या साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानिन, एक ही बात है डॉक्टर हमजा, तो देयरफॉर प्यूरिन इज इक्वल टू पैरिमिडिन, ठीक है। अब और एक्सेप्शन क्या है इसके, उसमें ये बात गौर से सुनिएगा, मैं आपसे आगे पूछूंगा जो बता रहा हूं अभी, प्लीज बी साइलेंट, जो बात बता रहा हूं मैं आपसे आगे पूछूंगा एक एमसीक्यूज में, वो कहता है कंसेप्ट के साथ, ऐसे शरेआम नहीं पूछूंगा, कंसेप्ट के साथ पूछूंगा, वो कहता है चरगफ रूल अप्लाई होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर या फिर डबल स्टैंडर्ड, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के ऊपर अप्लाई नहीं होता, याद कर ले चरगफ रूल अप्लाई होगा सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर और डबल स्टैंडर्ड आरएनए के ऊपर, ये सिंगल स्टैंडर्ड के ऊपर अप्लाई नहीं होगा भले वो डीएनए हो या फिर आरएनए हो। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व एमसीक्यूज, ये एमसीक्यू मैं आपको दे रहा हूं, वो कहता है कि एक सैंपल है ये वाला, अ सैंपल ऑफ डीएनए हैज 10% ग्वानिन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ थायमिन, ग्वानिन कितनी है, एंड वी नो दैट ग्वानिन इज ऑलवेज इक्वल टू, सो साइटोसिन भी कितनी होगी 10%, तो ये ग्वानिन एंड साइटोसिन कितनी हो गई 20% कितनी हो गई, और टोटल कितना होता है, तो बाकी कितना बचेगा 80%, मतलब कि बाकी जो दो रहती हैं थायमिन और एडेनिन वो कितनी है 80%, तो वो दोनों बराबर होती हैं 40 इज इक्वल टू 40%, तो मतलब थायमिन के साथ कितनी होगी 40%, ये नहीं समझ आया, मैं दोबारा देखें, वो कहता है ग्वानिन कितना है हमारे पास 10%, ग्वानिन इज ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन, अगर ग्वानिन 10% तो साइटोसिन भी, तो दोनों को मिलाने से कितना हो जाएगा 100 में से बाकी कितना रहता है 80%, और बाकी दो रहती है हमारे पास एडेनिन और थायमिन, दे आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, तो वो कितनी होंगी 40-40, तो कितना आएगा 40%, तो हमारा आंसर कितना आएगा 40%, ये देखें 10% ग्वानिन प्लस 10% साइटोसिन, देयरफॉर एडेनिन और थायमिन मस्ट बी 80%, तो 40% एडेनिन 40%, सो आंसर इज 40% थायमिन, समझ आ गया। एक और क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए था, वो कहाँ चला गया, मेरे पास है, अगर इधर नहीं है तो मेरे पास है, वो कहता है क्या हो गया है, वो कहता है आपकी एडेनिन है 10% और ग्वानिन है 50%, अब कहता है इसको सॉल्व करके दे, मुझे इसको राइट साबित करके दे, चले जी क्या ये पॉसिबल है, एडेनिन एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू 10%, टोटल कितना बनेगा बाकी कितना रहेगा, तो आपकी ग्वानिन और साइटोसिन कितनी कितनी होनी चाहिए 40-40%, सो व्हाट डज इट मीन दैट दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, नो दिस क्वेश्चन इज नॉट, नो नॉट सप्रेस एट ऑल, दिस इज द कंसेप्ट दैट आई टॉक्ड जस्ट अ लिटिल बिट अर्लियर, मैं आपसे पूछूंगा यहां पर, ना तो क्वेश्चन गलत है, क्या मैं यहां पर ये कह सकता हूं चरगफ रूल गलत है, नो क्वेश्चन भी गलत नहीं है, चरगफ रूल भी गलत नहीं है, बट मैंने सिंगल स्टैंडर्ड, दैट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आ गया, यहां पर एक्सेप्शन आ रही है, यहां पर क्या आ रही है चरगफ रूल अप्लाई नहीं हो रहा, इट डज मीन दैट कि वहां पर क्या आ रही है, केमिस्ट्री में शुरू से हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री है ही एक्सेप्शन, केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्शन आई जाती है, तो यहां पर ये बायोकेमिस्ट्री में भी क्या आ गई, एक्सेप्शन आ गई है, कि यहां पर चरगफ रूल में एक्सेप्शन आ गया कि वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन मैं कहता हूं क्या सैंपल ऑफ डीएनए हैज 10% एडेनिन एंड 5% 50% ऑफ ग्वानिन, डज दिस स्टैंड, मतलब मैं कहता हूं कि ये ह्यूमन के अंदर था, ये स्टैंड ह्यूमन के अंदर था स्टैंड,
फिर आप कहेंगे ह्यूमन के अंदर तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होता, वायरस, कोई वायरस हमारी बॉडी में एंट्री कर चुका है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो चुका है जिसकी वजह से हमें ये शो हो। कंप्लीट स्टेटमेंट इसकी मेरे ख्याल में यहां पर नहीं लिखी हुई, तो आप लिख ले, मैं आपको लिखवा रहा हूं। अ सैंपल ऑफ डीएनए, अ सैंपल ऑफ, ये यूएसए में लिखे एमसीक्यूज है, अ सैंपल ऑफ डीएनए हैज 10% एडेनिन एंड 50% गुआनिन एंड 50% गुआनिन, डज दिस स्ट्रैंड फॉलो चर्गफ रूल, डज दिस स्ट्रैंड फॉलो चर्गफ रूल, इफ नॉट व्हाई, इफ नॉट व्हाई, इफ नॉट, अगर नहीं फॉलो कर रहा व्हाई, क्यों नहीं फॉलो कर रहा, ठीक है, नहीं ये फॉलो नहीं कर रहा चर्गफ रूल, क्यों क्यों नहीं फॉलो कर रहा, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंड क्या है, और पैथोलॉजी में जाएंगे तो वायरस ने ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या कर लिया है, एंट्री कर ली है, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट, यू हैव गॉट द कंसेप्ट, कोई चीज रह तो नहीं गई, मेरे ख्याल में सब कुछ हो गया, थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा वो पढ़ ले, ये डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन आपको इसका पता होगा है, इसको भी देख लेते हैं, मैं देख लूं कि डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन से पहले कोई कंसेप्ट रह तो नहीं गया, कोई एमसीक्यूज रह तो नहीं गई, छोटी 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 चीजें थी ना ये, आई थिंक सारी कवर हो गई है, ठीक है। नो मूव टुवर्ड द डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। अब देखें डीनेचुरेशन क्या होती है, डीनेचुरेशन ये होती है कि डीएनए का डबल स्टैंड था, डीएनए का डबल स्टैंड था, आपने उसको हीट दी, क्या दी, हीट दी, या फिर कोई आपने उसको केमिकल दिया, जैसे फार्मामाइड दिया, आपने उसको क्या दिया, फार्मामाइड दिया, आपने उसको फार्मामाइड दिया, या फिर आपने उसको, प्लीज बी सीरियस, ठीक है, सीरियस होके बैठे, क्लास का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमने उसको हीट दी डबल स्ट्रैंड डीएनए को, या फिर कोई केमिकल दिया लाइक दैट फार्मामाइड, जब हमने उसको ये केमिकल देंगे तो जो आपका डीएनए का डबल स्टैंड होता है उसके दरमियान कौन से बॉन्ड्स होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे, जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो आपके स्ट्रैंड्स इस तरह क्या हो जाएंगे, सेपरेट, अलग अलग हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन, दिस इज कॉल्ड, हमने हीट दी उसकी डीनेचुरेशन हुई, स्ट्रैंड्स क्या हो गए, अलग अलग, लेकिन यहां पर वो एक चीज कहता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो टूट जाएंगे लेकिन कोवलेंट बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं, मैंने कल बताया था, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, वेरी गुड, वो जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड थे ये आपस वाले, ये नहीं टूटेंगे लेकिन ये वाले टूट जाएंगे, जब ये वाले टूट जाएंगे, स्ट्रैंड दो थे वो सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, हिलेक्स है आप, नहीं अलग अलग हो गए, लेकिन ये जो बॉन्ड थे ये वाले, ये नहीं टूटेंगे, तो एक न्यूक्लियोटाइड रहेगा लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं टूटेंगे, तो ये डीनेचुरेशन है कि आपके स्टैंड क्या हो गए हैं, डीनेचर हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी करेंगे, अब दोनों क्या बन चुके हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, पहले क्या था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, अब क्या बन चुका है ये, अब हमने इनकी क्या कर लिया है, रीनेचुरेशन, दोबारा इसको नेचुरेट करना है, नेचुरल फॉर्म में लेके आना है। देखें इसको याद करने का तरीका ये है, अगर आप भूल जाएंगे किस में टूट रहा है किस में दोबारा बार, तो डीनेचुरेशन, डी का मतलब होता है कम करना, तोड़ना, नेचर को, उसकी नेचर को हम कम कर रहे हैं, नेचर में क्या होता है, डबल स्टैंड होता है, तो हम उसकी नेचर को तोड़ रहे हैं, और रीनेचुरेशन, री का मतलब होता है दोबारा, नेचुरेशन, हम उसकी नेचर को दोबारा बना रहे हैं, वापस डबल फॉर्म में लेके जाएंगे। अब हम इसकी करते हैं कूलिंग, क्या करते हैं, गर्म किया था ना, अब इसको हम ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो ये जो डबल स्टैंड थे दोबारा क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, अब दोबारा क्या बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा, ये होती है आपकी रीनेचुरेशन। अगर हमने इसको हीट नहीं बल्कि केमिकल की वजह से इसको क्या किया था, अलग अलग, तो आप ये केमिकल हटा लें, जो केमिकल दिया था वो उठा लें वापस, तो दोबारा क्या हो जाएगा, ये म्यूटेशंस आर पॉसिबल, म्यूटेशंस आर पॉसिबल, तो वो भी हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन में, और डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए म्यूटेशन भी हम पढ़ेंगे, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। म्यूटेशन आर पॉसिबल, म्यूटेशन हो सकती है, क्योंकि म्यूटेशन किस तरह होती है, फिर मुझे डॉक्टर आसिम डिटेल में जाना पड़ेगा कि एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो हो सकता है एडेनिन गुआनिन के साथ बॉन्ड बना ले, तो ये इस तरह की म्यूटेशन हो सकती है, पॉइंट म्यूटेशन, वो आगे डिस्कस करेंगे, मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा, लेक्चर लंबा हो जाएगा, बस आप इतना देख लें कि रीनेचुरेशन में क्या है,
अगर हम हीट हटा के कूलिंग करेंगे तो दोबारा मिल जाएंगे, हमने जो केमिकल दिया था केमिकल रिमूव करेंगे तो वो दोबारा मिल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड रीनेचुरेशन। अच्छा, इस डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन को हम यूज कहां पे करते हैं? पीसीआर सुना है नाम, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस और हाइब्रिडाइजेशन सुना है। अब पीसीआर या फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है ये देखें, पीसीआर और हाइब्रिडाइजेशन में इसको यूज करते हैं। इसमें ये होता है कि हम अपनी पसंद का कोई डीएनए है उसकी हम कॉपी तैयार करना चाहते हैं, यही होता है ना कि हमारे पास ये डीएनए प्रोब है, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, कि हम जिस डीएनए की कॉपी तैयार करना चाहते हैं, जो हमारी विश का डीएनए है कि हम उसकी कॉपी तैयार करना चाहते हैं, दैट डीएनए इज कॉल्ड प्रोब। अब इसी प्रोब की हम एक और कॉपी, इसी कॉपी तैयार करना चाहते हैं, इसके लिए हम क्या प्रोसेस यूज करते हैं? डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। हमारे पास जो एक डीएनए होगा उसकी हम पहले क्या करेंगे? डीनेचुरेशन। क्या हो गया वो? अलग अलग। अब हमने ये वाला प्रोब उठाया है, अब ये वाला प्रोब इन दोनों स्टैंड में से हम एक स्टैंड उठा लेंगे, लेट्स सपोज हमने ये वाला स्टैंड उठा लिया, ठीक है। अब हम प्रोब उठाएंगे, इस वाला स्टैंड को हम रिमूव कर देंगे, ये स्टैंड क्या हो गया? रिमूव। इस स्टैंड की जगह पर हम प्रोब रख देंगे। जब हम इस स्टैंड की जगह पर प्रोब रखेंगे और क्या करेंगे? रीनेचुरेशन, कूलिंग। इसका एक और नाम होता है अनीलिंग। क्या होता है? अनीलिंग, यानी ठंडा करना। हम इसकी अनीलिंग करेंगे, जब हम अनीलिंग करेंगे तो ये स्टैंड दोनों आपस में मिल जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो स्टैंड मिला है वो क्या था? प्रोब था, हमारी विश वाला स्टैंड था, हमने विश वाले स्टैंड को इकट्ठे रखा है और वो क्या हो गया है? मिल गया है, तो हमारी विश वाला स्टैंड हो गया। अब दोबारा जब यही डीएनए रेप्लीकेट करेगा तो हमारा जो प्रोब है वो भी क्या करता रहेगा? रेप्लीकेट करता रहेगा, तो एक प्रोब से दूसरा प्रोब, दूसरे प्रोब से तीसरा प्रोब। तो ये समझ आ गया है? पक्की बात है? सॉरी, देखें देखें, हमने क्या किया? डीनेचुरेशन की पहले, डीनेचुरेशन से स्टैंड हो गए अलग अलग। अब इसमें से हम एक स्टैंड उठा लेंगे और दूसरे स्टैंड को रिमूव कर देंगे। अब हमने अपना प्रोब उठाया, हमारी विश वाला स्टैंड जिसकी हम कॉपी चाहते हैं। अब एक बात माइंड में रखें कि जो जो प्रोब है ये होना इस स्टैंड का कंप्लीमेंट्री होना चाहिए। कंप्लीमेंट्री का मतलब वो एडिनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन के पार्ट अपोजिट होना चाहिए उसका, एंटी पैरेलल और कंप्लीमेंट्री होना चाहिए। अब हमने इस प्रोब को जो कि एंटी पैरेलल और कंप्लीमेंट्री था इसको उठा के यहां पे डालेंगे, हीट अभी है तो जैसे ही डालेंगे वो इकट्ठे नहीं मिल जाएंगे, फ्यूज नहीं होंगे, हिलेक्स फॉर्मेशन नहीं बनेगी। अब हम स्लोली स्लोली इसको क्या करेंगे? कूल डाउन करेंगे, ठंडा करेंगे। जैसे ही स्लोली स्लोली उसकी कूलिंग करेंगे, क्योंकि ये स्टैंड इसका प्रोब इसका क्या था? एंटी पैरेलल कंप्लीमेंट्री था, तो दोनों स्टैंड आपस में क्या बना लेंगे? हिलेक्स फॉर्मेशन कर लेंगे, दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे, तो दोबारा क्या हो जाएगी? रीनेचुरेशन हो जाएगी। तो हमारा जो प्रोब था, अब ये वाला स्टैंड हमारा क्या है? प्रोब है, और एक स्टैंड पहले वाला है जो उसका ओरिजिनल था। अब जब यही स्टैंड इसने रेप्लीकेट तो करना है बॉडी में, जब ये रेप्लीकेट करे बॉडी में या फिर आर्टिफिशियल, तो जब ये रेप्लीकेट करेगा एक और स्टैंड बनेगा, तो उसमें क्या होगा? एक हमारा प्रोब होगा और एक हमारा नेचुरल होगा। रेप्लीकेशन कैसी होती है? सेमी कंजर्वेटिव मेथड के जरिए, याद है? लेट्स सपोज ये अब दोनों स्टैंड अलग अलग हो जाएंगे, ये एक हमारा अनजिप होंगे, वो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना देख ले कि ये एक हमारा कौन सा स्टैंड है? प्रोब, और एक हमारा ये ओरिजिनल वाला था। अब जो प्रोब है वो अपने जैसा एक और बना लेगा, हो गया प्रोब तैयार। अब इसी तरह प्रोब फिर रेप्लिकेट करेगा, तो हमारा प्रोब हमें मजीद गेन होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह पीसीआर और हाइब्रिडाइजेशन में हम ये करते होते हैं। ऑलमोस्ट मैंने आपको पीसीआर सारी बता दिए हैं, लेकिन पीसीआर आगे टेक्निक आएगी उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहां पर मैंने थोड़ा सा इसको बताया। समझ आ गई है? रीडिंग करें। चलें जी, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल डीएनए, वालेकुम सलाम, कैन बी डीनेचर्ड बाय कंडीशंस दैट डिसरप्ट हाइड्रोजन बर्निंग एंड बेस स्टैकिंग, रिजल्टिंग इन द मेल्टिंग ऑफ द डबल हेलिक्स इनटू टू सिंगल स्ट्रैंड्स दैट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इसमें कोई बात समझ ना आई हो, एनीवन समझ आ गई है? जहां पे समझ ना है मुझे रोक लेना है, ठीक है। नो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन दिस प्रोसेस, हीट, अल्कलाइन पीएच एंड केमिकल सच एज फॉर्मामाइड एंड यूरिया आर कॉमनली यूज्ड टू डीनेचर द डीएनए, ठीक है। तो अगर पीएच आपकी अल्कलाइन हो, यानी आप उसको एसिडिक नहीं बल्कि आपने पीएच कर दिया अल्कलाइन, बेसिक कर दिया, सात से ऊपर कर दिया, तब डीनेचुरेशन हो सकती है, ठीक है। आपने उसको केमिकल दिया फॉर्मामाइड की तरह, या आपने यूरिया वगैरह दिया, तो उससे भी ये हो सकती है। डीनेचर्ड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कैन बी रीनेचर्ड अनील्ड इफ द डीनेचरिंग कंडीशन इज स्लोली रिमूव्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग हीट
denatured RNA is slowly cooled, the two complementary strands can become base paired. Again, such renaturation and annealing of complementary DNA strand is an important step in probing a southern blot and in performing the polymerase chain reaction. ये southern blot, western blot, southern western blot, ये कुछ techniques होती हैं, इनको हम आगे detail में देखेंगे. In these techniques, a well-characterized probe DNA is added to mixture of target DNA molecules. The mixed sample is denatured and then renatured. When probe DNA binds to target DNA sequence of sufficient complement, the process is called hybridization. जो मैंने अभी समझाया. समझ आ गया? पक्की बात है? कोई चीज रह गई हो आपकी? MCQ सॉल्व करें एक दो. ये सॉल्व करके दे मुझे, मिलके सॉल्व करेंगे. अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम, मतलब डबल स्टैंडर्ड है, इट डज मीन दैट कल्चर का रूल अप्लाई होगा. आरएनए जीनोम इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ वायरस, इज अ स्टूल ऑफ चाइल्ड विद गैस्ट्रोएंटेराइटिस, वाज फाउंड टू कंटेन 15% यूरासिल. ये कितना है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गुआनिन इन दिस जीनोम? सो गुआनिन कितना होगा? वेरी गुड, जीनियस डॉक्टर्स हैं, लेकिन लेट मी सॉल्व इट ताकि जिनको नहीं पता चला उनको पता चल जाए. यूरासिल कितना है? और हमने कहा कि यूरासिल हमेशा किसके बराबर होगा? एडेनिन के. तो ये 15, ये भी, टोटल कितना बन जाएगा? बाकी कितना बचेगा? 70%. तो ये कितने कितने होंगे? 35. तो आंसर विल बी द, इट वाज द यूएस असेंबली बेस्ड एमसीक्यूज एंड यू हैव सॉल्वड इट इन लेस देन 2 to 3 seconds. डॉक्टर यान, ओह माय गॉड, यू आर मच मच जीनियस. एक और एमसीक्यू सॉल्व करें. yes. मेरे ख्याल में. और हाँ, एक ये बताएं मुझे. अ मेडिकल स्टूडेंट, गौर से सुनिएगा, बी फोकस. अ मेडिकल स्टूडेंट वर्किंग इन अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी इज आस्क्ड बाय हर मेंटर टू डिटरमाइन द बेस कंपोजिशन ऑफ एन अनलेबल्ड न्यूक्लिक एसिड सैंपल लेफ्ट बिहाइंड बाय अ फॉर्मर रिसर्च टेक्नोलॉजिस्ट. कि आप देखेंगे ये इसकी नेचर क्या है, मैंने आपको ये दिया है. द रिजल्ट्स ऑफ हर एनालिसिस शो 10% क्या है? एडेनिन. 40% क्या है? साइटोसिन. 30% क्या है? थायमिन है. एंड 20% क्या है? गुआनिन है. इट इज अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम, इट इज अ बैक्टीरियल प्लाज्मिड, इट इज अ माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम, इट इज अ न्यूक्लियर क्रोमोसोम. नो, इट्स अ वायरल. बिकॉज़ व्हाई? माशाल्लाह, तोते बन गए हैं. क्योंकि ये चरगा फ्रूल को फॉलो नहीं कर रहा. अगर चरगा फ्रूल को फॉलो नहीं करेगा तो इट डज मीन दैट किसी वायरल का डीएनए है. सो इट इज द वायरल जीनोम. माशाल्लाह, आप यू असेंबली बेस्ड एमसीक्यूज को जो है, यू असेंबली मुश्किल होती है? जी, यू असेंबली होती है, हैं, आसान सी. दिमाग खोल के बैठे, 2 से 3 सेकंड में एमसीक्यूज आपने सॉल्व कर लिया. ठीक है, समझ आ गई है? तो हमने ये इनके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर ली है. तो ये देखिए, वो आंसर लिखे हुए हैं. ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई चीज, कोई रह गई, आपको समझ ना आया हो? नहीं होंगे याद इंशाल्लाह ताला. चलें, कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो आप लोगों का? चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़.